नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिल्ली गेस्ट टीचर से संबंधित कुछ ऑफिशियल लिस्ट जारी करी गई, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ, मतलब उन्हें स्कूल अलॉट किए गए। उसमें मैक्सिमम लोग तो वही हैं जो पहले से किसी न किसी दिल्ली के सरकारी स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब उनके पास वर्क एक्सपीरियंस है। और बाकी कुछ आपने उस लिस्ट में ये भी देखा हो, कुछ नए अभ्यर्थियों को इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो इसी के चलते आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई ये गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट कब निकली थी, और ऐसे वो कौन से अभ्यर्थी है कि जिनका जीरो वर्क एक्सपीरियंस है, जो बिल्कुल एक फ्रेशर कैंडिडेट थे, उन्होंने अप्लाई करा और उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें दोस्तों जितना भी कन्फ्यूजन है, इस वीडियो के माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बाकी अगर आपने पहले से आप दिल्ली में गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर आपने दिल्ली में गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई करा था, ये दोस्तों वो वाला गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट थी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में निकली थी, ठीक है। काफ़ी समय पहले निकली थी, अभी मैं बता दूँगा। बाकी NDMC के अंतर्गत निकली थी दोस्तों, वो थोड़े समय पहले ही निकली थी, बाकी उसकी कोई लिस्ट वगैरह जारी नहीं की गई है। ये जो रिक्रूटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ गेस्ट टीचर की, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, और जल्द से जल्द आप जो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, शायद से आपने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर ली होगी। अगर नहीं डाउनलोड करिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप उन लिस्ट को डाउनलोड कर लो। अगर आपने गेस्ट टीचर के रिक्रूटमेंट में अप्लाई करा था तो उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लेना, सब्जेक्ट वाइज आपका दे रखा होगा, ठीक है। और अगर आपका उसमें नाम है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, एटलीस्ट एक साल के लिए तो किया ही जाएगा, बाकी एक साल बाद देख लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट कब निकली। तो देखिए दोस्तों, जो मेन रिक्रूटमेंट निकली थी काफ़ी सारे पदों पर, वो 2017-18 के आसपास निकली थी, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया था। बाकी जो आपको ये देखने को मिल रहा है, जो जीरो वर्क एक्सपीरियंस में भी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ, वो किस केस में हुआ है, तो दोस्तों 2020 में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में एक और गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली थी, लेकिन वो सभी विषयों के लिए नहीं निकली थी। उसमें शायद से कुछ विषय थे, जैसे आपका मैथ्स था, इंग्लिश था, या फिर नेचुरल साइंस थे, ऐसे कुछ विषय थे। तो अब आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में भी गेस्ट टीचर को परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी, तो काफ़ी सारे जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे थे उन्होंने उत्तर प्रदेश में परमानेंट रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन ले लिया है। तो दिल्ली में गेस्ट टीचर की सीट हो गई थी खाली, तो इसलिए जो अभ्यर्थी 2020 के आसपास जो आपको गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, जबकि सभी सब्जेक्ट की नहीं थी, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश, मैथ और नेचुरल साइंस वगैरह की निकली थी, तो उनमें जिन अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा था और जो सीट खाली हो गई थी, तो उसी केस में दोस्तों जिनके पास जीरो वर्क एक्सपीरियंस था, उन भी अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉट कर दी गई है, ठीक है। तो ये अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट है, जैसे संस्कृत, हिंदी वगैरह है, फिर कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप सोचोगे कि भाई उसमें क्यों नहीं जीरो का हुआ, तो दोस्तों उसमें मैं बता दूं, जो मेन रिक्रूटमेंट निकली थी 2017-18 के आसपास ही निकली थी, तो उसमें अगर जिन अभ्यर्थियों को गया तो हो गया होगा, बाकी 2020 में कमी सब विषय पर निकली थी। और दोस्तों जब आप देखोगे लिस्ट को, तो उसमें आप देखोगे काफ़ी सारे लोगों को स्कूल अलॉट किए गए हैं। तो आप जानते हैं गेस्ट टीचर की जो रिक्रूटमेंट होती है वो खाली पद के तौर पर ही गिनी जाती है। कल को रिक्रूटमेंट आएगी तो गेस्ट टीचर के जो पद होंगे वो खाली पद माने जाएंगे, मतलब जितने भी पद होते हैं उनके हिसाब से रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। बस जो पद काउंट होते हैं वो परमानेंट रिक्रूटमेंट के होते हैं, ठीक है। गेस्ट तो आपको पता है, जब कोई परमानेंट जो शिक्षक जो गेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं उनकी जगह आएगा, तो गेस्ट टीचर को निकाल दिया जाएगा और परमानेंट शिक्षक को रख लिया जाएगा। और परमानेंट शिक्षक कैसा आएगा, वही दोस्तों डिजिटल प्लस का जो आपका एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करके, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये इतनी इसलिए ज़्यादा आपको पदों पर देखने को मिलती है क्योंकि हाल फिलहाल में जो TGT वगैरह की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिली थी, PGT की मिली थी, तो जिन भी अभ्यर्थियों को उसमें सिलेक्शन हुआ है अभी तक उन्हें स्कूल अलॉट नहीं किए गए, ठीक है। तो एक बार उन्हें स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे, और जब एक आंकड़ा आएगा कि भाई इतने पद खाली हैं पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट के लिए, तो एक सही महीने में जब भी सोचा जा सकता है कि कितने पदों पर आपको भविष्य में परमानेंट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बाकी फिलहाल अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कोई भी अभी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट नहीं निकली है। ये पहले जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया रिक्रूटमेंट निकली, तो उसमें जिन भी अभ्यर्थियों ने अप्लाई करा था उन्हें स्कूल अलॉट किए गए। बाकी जो पहले से एज ए गेस्ट टीचर पढ़ा रहे थे वो तो आप जानते हैं दोस्तों, उन्हें तो फिर स्कूल मिलने होते, जितने ज़्यादा दिन होते उतना ज़्यादा गेस्ट टीचर का फायदा होता है। बाकी मैं हमेशा की तरह यही कहना चाहूँगा दोस्तों, जो अगर आप सच में शिक्षक बनना चाहते हैं, देखो जब तक परमानेंट नहीं बन रहे नहीं बन रहे, जब तक गेस्ट टीचर से आपका काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश यही करना परमानेंट शिक्षक बन जाए, चाहे दिल्ली के सरकारी स्कूल में बने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल है, KVS NVS वगैरह, या कहीं भी आप बनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करना परमानेंट शिक्षक बन जाए दोस्तों, आप उससे आपका ठीक रहेगा, क्योंकि गेस्ट टीचर का ऐसे आज कर लिए, और काफ़ी सारे मतलब राजनीति वगैरह भी चलती रहती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ सेटल करनी है तो परमानेंट रिक्रूटमेंट की तैयारी करो। बाकी अगर आपका कहीं गेस्ट टीचर में सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। बाकी अब लिस्ट देख लेते हैं, और मैं आपको सारी लिस्ट नहीं दिखाने वाला क्योंकि PDF काफ़ी बड़ी है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी, तो बाकी जितनी भी PDF है सारी की सारी मैंने शेयर कर रखी है अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर कैसे जाना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दिया है मैंने, वहाँ पर जाके आप वहाँ से जितनी भी लिस्ट है डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप इन्हें जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जितनी भी लिस्ट है सारी की सारी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं गेस्ट टीचर की काफ़ी सारी लिस्ट है,
और अगर आप थोड़े समय बाद इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना, क्योंकि शायद से डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन कुछ और नए नोटिस अपडेट कर दे, तो जो आपकी ये गेस्ट टीचर की लिस्ट है थोड़ा नीचे चली जाएंगी। ठीक है, तो स्क्रॉल करके नीचे अपने आप से इन लिस्ट को फाइंड कर लेना। बाकी दोबारा से मैं रिपीट करना चाहूँगा, ये सभी लिस्ट मैंने अपने टेलीग्राम अकाउंट पर शेयर कर दिए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को फटाफट से लाइक करें। बाकी जिन भी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में गेस्ट टीचर के लिए अप्लाई करा था, उन अभ्यर्थियों को निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा चैनल केवल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप किसी भी टीचिंग पोस्ट की तैयारी करें, TGT, PGT, PRT, नर्सरी, तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उससे संबंधित स्टडी मटेरियल वहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो वहाँ पर फॉलो करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।